इस बार गलती तुम्हारी है तो मैं माफी नहीं मांगूंगा। मैं तुम्हारी हूँ ना, तो गलती भी तो तुम्हारी हुई ना। माफी मांगो मुझसे। चलो जी आज तेरी आंखों में डर क्यों नहीं दिख रहा मुझे? ठीक से देखो चाचा, अंदर ही होगा। हेलो भाई साहब। हाँ, अरे आपकी शादी हो गई है क्या? क्या हुआ, मारा क्यों? साले मेरी हालत देख के तेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या? तुम्हें एक शायरी सुनाऊं? हाँ। तू चंद्रमुखी, मैं सूरजमुखी, तू मुझसे दुखी, मैं तुझसे दुखी, तुम अपनी जुबान कटवा लो, तुम भी सुखी मैं भी सुखी। अरे भाई, इतना उदास क्यों बैठा है? हो गया खुश? सुनो। हाँ। आज थोड़ा सा प्यार जता दूं क्या? तुम मेरे हो ये सबको बता दूं क्या? थारो बाप हाथ पांव तोड़ देगो मारा। और थारा भी है नहीं, गलपटाई गल। तुमने मुझे आवाज दी और आवाज देकर चले गए, मेरी तारीफ नहीं करोगे? मैं क्या कहूँ, बोल ना यार। यार बोल बे। बे यार, लड़की में जो काली होती है उसको ब्लैक ब्यूटी बोलते हैं, पर हमारे लड़कों में क्या बोलते होंगे पता तुझे? सिंपल, काला कलूटा। अच्छा बताइए, इंटरनेट पे बढ़ रही अश्लीलता को आप किस तरह देखते हैं? फुल एचडी में। क्या हुआ, इतने उदास क्यों बैठे हो? डॉक्टर ने दादाजी को जवाब दे दिया। वैसे दादाजी ने डॉक्टर से सवाल क्या पूछा था? तुम सुबह कब उठती हो? हम कभी उठते नहीं, हमको जबरदस्ती उठाया जाता है। आज मेरे बेबी का बर्थडे है, बता तुझे क्या चाहिए, वो ही दिला के लाऊंगा। मुझे ना कुछ नहीं चाहिए, बस आज से ना पड़ोसन को दीदी बोलना शुरू कर दो। ऐसे तो हम जानत नहीं कि तू हमरे से प्यार करेलू, तब तहरा मुँह से एक बार सांच सुने के चाहता नहीं। सांच तो हम बोल दें, बाकी तुरा से बर्दाश्त ना हो पाई। पति पत्नी में ना पति सुंदर होता है। ऐसे कैसे? पत्नी सुंदर होती ना तो ब्यूटी पार्लर नहीं जाती पाउडर लगाना। ये देखो, एक लेखक ने लिखा है कि आदमियों को भी बोलने का हक होना चाहिए। अब खुद ही अंदाजा लगा लो, वो भी सिर्फ लिख ही पाया है।